आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। हम इसे कम खर्चे में सिर्फ दूध और चीनी से ही मिठाई बनाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ये मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सॉस पैन में ना 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को हमें यहाँ पे अच्छे से बॉयल कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है छेना। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है और हमने गैस को यहाँ पे ऑफ कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे विनेगर वाला पानी इसमें ऐड करेंगे जब तक हमारा दूध से पानी अलग ना हो जाए। तो देखिए दूध से पानी अलग हो चुका है। अब हम ना यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम ना फटाफट से एक कॉटन के कपड़े में छेना को छान लेंगे। छेना को छानने के बाद ना इसमें नॉर्मल पानी से छेना को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि छेना से जो विनेगर का टेस्ट या खटास होगा ना वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे हम इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है और इस पतीला में ना 1 कटोरी हमने यहाँ पे चीनी ऐड किया है और उसी कटोरी से ना हमने यहाँ पे 3 कटोरी पानी ऐड किया है। अब जब तक ना हमारा चाशनी बॉयल होता है ना तब तक हम यहाँ पे छेना को जो है ना एक प्लेट में ले लेंगे और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लें। अगर आपका पानी इसका अच्छे से नहीं निकला हो ना तो आप इसको 1 घंटे के लिए कहीं टांग दें तो इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना छेना को अच्छे से क्रश कर लेंगे और अपनी हथेली से ना छेना को अच्छे से मस लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसका कलर जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। आपके पास केसर अवेलेबल हो तो आप इसमें केसर डाल सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने छेना को अच्छे से मसल लिया है, ये एक सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है इसका। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाना है। तो यहाँ पे आप ना छोटे बड़े बॉल्स अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो हमने छेना के सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं रसगुल्ले के। हमने चाशनी में थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाल दिया है। अब हमने छेना के जो बॉल्स बनाए थे ना अब हम फटाफट से इसमें डाल देंगे और इसको ना ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे ना 15 मिनट हो चुका है और हम अपने रसगुल्ला को चेक कर लेते हैं। तो देखिए रसगुल्ला ना डबल साइज का हो चुका है, पर इसको ना हम 5 मिनट के करीब और पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद ना रसगुल्ला नीचे की ओर बैठने लगा है, इसका मतलब रसगुल्ला हमारा पक चुका है। हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एक ना कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में डालेंगे खोया। तो ये होममेड खोया है, मैंने घर पे ही खोया बनाया है और इसको ना थोड़ा सा और भून लेंगे। तो खोया ना मेरा थोड़ा हल्का भुना हुआ था और इसको ना थोड़ा सा और भून लेंगे। उसके बाद इसमें ना चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीनी जो है ना 200 ग्राम खोया में ना 50 ग्राम ही चीनी ऐड किया है और थोड़े से फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर डालने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ना थोड़ा सा अच्छे से खोया को भून लेंगे। तो खोया हमारा अच्छे से भून चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और खोया को ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे हमारा जो रसगुल्ला है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब ना हम इसका जो पानी है वो हल्का सा चाशनी इसका निचोड़ के ना हम इसको प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे ना आप एक छन्नी में भी रसगुल्ले को रख सकते हैं ताकि रसगुल्ला का जो एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। और यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में हमने यहाँ पे ना 2-3 चम्मच के करीब जो है ना मिल्क पाउडर डाला है। अभी बताऊँगी आपको मिल्क पाउडर कहाँ इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना अब जो हमारा मावा है वो भी ठंडा हो चुका है, इसको मैंने थोड़ी सी हाथों से अच्छे से मसल लिया है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है ना हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब मावा में से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इसको हम बिल्कुल बॉल का शेप देके और हम इसको बीच से होल कर लेंगे और अपने रसगुल्ला इसमें डाल देंगे। अब हम ना मावा से ना इसको अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ना बढ़िया से इसको फिल कर देना है और इसके बॉल्स बना लेने हैं बिल्कुल गोल गोल इस लड्डू की तरह बिल्कुल। अब ना हमने जो मिल्क पाउडर लिया था ना इसके ऊपर से कोट कर देंगे। वैसे तो इसकी कोटिंग पोस्ता दाना से होता है, पर आप ना यहाँ पे अगर पोस्ता दाना हो तो आप पोस्ता दाना से कोटिंग इसकी कीजिए, या नहीं तो आपके पास नारियल बुरादा हो तो नारियल बुरादा से कीजिए, या नहीं तो आपके पास मेरी तरह कुछ भी ना हो ना तो मिल्क पाउडर से इसका कोटिंग कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना इसके ऊपर से पिस्ता डाल दिया है। तो लग रहा है ना मार्केट जैसी ये मिठाई। तो आपके यहाँ पे ये मिठाई को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करिएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।